अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। क्या हाल है बेटा? ठीक। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है, आज मैंने जो है सुबह से लॉन्ग स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि आज जो है अजबा की भी छुट्टी थी और ऐसे ही फारिग दिन था, तो आज अजबा की अजबा की छुट्टी थी। तो अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है और काम वाम तो वैसे भी हम लोगों ने सुबह कर ली थी और खाना वगैरह भी बन गया था, खा लिया हमने खाना भी। और स्कूल की तो अजबा की छुट्टी थी लेकिन ट्यूशन की छुट्टी नहीं है क्योंकि अजबा की ट्यूशन वाली बाजी ने कहा है कि ट्यूशन की उसको एक भी छुट्टी नहीं कराना। ट्यूशन तो उसने जाना है, अभी 4 बजे जाएगी। तो अभी जो है मैं कुछ काम करने लगी थी तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं क्या करने लगी हूँ। ये देखें, अजबा यहाँ पर सो रही है। तो ये जो है गिफ्ट पेपर है और ये जो मैं अभी बाहर से लेके आई हूँ, और ये देखें ये पूरा जो है गिफ्ट पेपर है और इसके साथ में ये कार्ड भी लेके आई हूँ। और ये जो है टेप घर पे ही पड़ी हुई थी। तो ये जो है कुछ गिफ्ट हैं, ये जो है कुछ गिफ्ट हैं, मैं खोल के तो आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी लेकिन ऐसे ही बताऊंगी कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है एक फ्रेम है और इसके अंदर जो है शो पीस है एक, और इसको जो है मैं अभी पैक करने वाली हूँ। और आज जो मैं कहीं जा रही हूँ, किसी के लिए मैंने गिफ्ट लिए हैं तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने किसके लिए लिए हैं। मैंने उठा लिया है और अजवा यहाँ पे पहन रही है चप्पल। अजवा अजवा रो रही है, अजवा रो रही है, अजवा कह रही मैं ये शूज़ नहीं पहन रही हूँ, मैं हील वाली सैंडल पहनूंगी। और ये जो है मैंने शॉपर में डाल के पकड़ लिए हैं गिफ्ट। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कहीं पे जा रही हूँ और देख के तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। और मैं आई हूँ नेहा फैमिली ब्लॉग के घर पर और नेहा जो है हमारे साथ है, मैंने बता दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। काफ़ी दूर से आ रही हैं, थकी हुई भी लग रही हैं। हाँ। बैठ के बात करते हैं, चलिए आ जाएं क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है ना।
नेहा से तो मैं मिल लिया था, लेकिन यहाँ पर सामने अंकल बैठे हैं, अंकल से ही मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है बेटा? मैं ठीक, आपकी तबीयत कैसी है? लेट हो गया आज, 4 बजे का टाइम दिया था, 5:30, 5:15। हाँ जी, बाहर इतनी गर्मी थी, मैंने कहा पता नहीं लाइट होगी या नहीं होगी, तो मैंने कहा लाइट होगी, जिस टाइम से मैं उसी टाइम जाती हूँ। लाइट जो है ना हमारी आती है 4:30। कि बाहर बहुत गर्मी है, फिर बर्दाश्त नहीं होता अंदर आके। फिर यहाँ पे मैं और नेहा बैठे हुए हैं, और नेहा कैसी आपकी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत अब ठीक है, कल काफ़ी ख़राब थी लेकिन कुछ घंटों बाद ही समझे खुद ही ठीक हो गई थी, रात में और ठीक हो गई थी। मुझे जो है नेहा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं नेहा से मिलने आ गई, तो मैंने कहा पता नहीं नेहा की तबीयत क्या हुआ है, तो मैं इसलिए नेहा से मिलने आई हूँ। अभी तो नेहा की तबीयत ठीक लग रही है। हाँ अभी तो शक्ल से भी ठीक हूँ, वैसे भी ठीक हूँ। पहले बहुत मेरी शक्ल उतरी हुई थी, यानी कि कल सुबह इतनी तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी ना, लेकिन अब माशाल्लाह से ठीक है। और आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगता है, पिछली बार ज़्यादा अच्छा लगा था, इस बार और ज़्यादा अच्छा लगा कि हम दोनों दोस्त हैं। हाँ पिछली बार थोड़ी सी कम बात की थी आपसे, क्योंकि इतनी जान पहचान नहीं थी, लेकिन अब और ज़्यादा जान पहचान हो गई, क्योंकि पिछली बार भी आई थी आप मिलने, अब दोबारा से आ गई। जब मिलते रहते हैं तो ज़्यादा अच्छी पहचान हो जाती है एक दूसरे की, और अच्छी दोस्ती भी हो गई है ना। हाँ फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, फिर और बातें निकल जाती है, ऐसा ही होता है। मैंने आप लोग बताया था कि मैंने गिफ्ट लिया है, लेकिन मैंने बताया था कि इसके लिए नहीं है, मैंने गिफ्ट लिया है नेहा के लिए, तो मैंने यहाँ से देखा बहुत दिल से लाया मैंने नेहा के लिए, दिल से तो लाई हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, आप खुद आ गई, वही बहुत था हमारे लिए, क्योंकि आपसे मिलकर भी इतना अच्छा लगता है, गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे खुद आप लोगों से मिलकर पिछली दफ़ा इतना अच्छा लगा था कि मेरा खुद दिल किया आने का, तो आप नहीं लाती ना ये, आप खुद आ जाती मिलने, नहीं कोई बात नहीं, मैं दिल से लाई हूँ आपके लिए। चले कोई बात नहीं, अच्छा है क्या वैसे इसमें? ये तो आप खोल के देखोगी ना? चलिए वो तो मैं खोल के चेक करूँगी, लेकिन आपके मुँह से भी सुनूँगी तो और अच्छा लगेगा। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, कोई चलिए मैं बात नहीं खोल के चेक कर लूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर भी आप मेरे लिए गिफ्ट लाई और आप खुद भी आई, शुक्रिया जी, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दिल से बैठी। चलिए ठीक है। और यहाँ पे हैं नेहा के प्यारे प्यारे से पौधे, ये देखें, ये बीच वाला वाइट वाला बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे भी बहुत शौक है पौधे बड़े करने का, लेकिन मेरे घर पे जो एक बेर है मैं उसी को ही बड़ा करती रहती हूँ। घर पे जो हम लोग आ गए थे, और यहाँ पे मैंने बनाई है चाय, और ये हैं मैंने रास्ते में से पापड़ लिए थे, और ये सारे, और ये भी, और ये अजवा यहाँ पर बैठी हुई है, कार्टून देख रही है। अजवा ट्यूशन से वापस आ गई, ट्यूशन से आ गई अजवा, ट्यूशन से आ गई, और अजवा यहाँ पे देख रही है कार्टून। मगरिब का टाइम जो हो गया है, अंधेरा हो गया है, और नीचे जो है लाइट नहीं है, इसीलिए मैं ऊपर आई हुई हूँ, और मैं अभी ऊपर आई हूँ, अभी सब ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से फर्श धोएंगे, फर्श वगैरह धोएंगे, और यहाँ पे बिस्तर वगैरह, बिस्तर पर नहीं बिछाएंगे, तकिए वगैरह रखेंगे, क्योंकि ठंडी ज़मीन पर अच्छी नींद आती, तो अभी हम लोग यहाँ पर ऊपर सोएंगे। तो आज का व्लॉग जो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि आज जो है बहुत ही स्पेशल व्लॉग बनाया, क्योंकि आज मैं गई थी नेहा से मिलने, अपनी फ्रेंड से मिलने, तो मुझे बहुत खुशी हुई मिलके, और नेहा बहुत अच्छी है, वो अच्छी फ्रेंड भी बन गई है मेरी, मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे मिलके, क्योंकि मैं दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा मिल गई हूँ, तीसरी दफ़ा मिली हूँ उससे, और इंशाल्लाह आगे भी मिलती रहूँगी, मिलती रहूँगी, फ्रेंड बन गई है मेरी वाकई, मुझे बहुत अच्छी है। और आज का व्लॉग जो है हमारा बहुत ही अच्छा बन गया है, और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का व्लॉग जब लोग यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए, अल्लाह हाफिज़। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अल्लाह हाफिज़।